नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। स्कूल के पीछे चना गोदाम क्षेत्र में बीती रात आपसी रंजिश में दो परिवारों में झगड़ा हुआ, जिसमें एक परिवार के युवक ने दूसरे परिवार के युवकों पर चाकू तलवार से हमला कर दिया। इसमें तीन लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। सभी को उपचार के लिए निजी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर एक युवक की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार चना गोदाम क्षेत्र में रहने वाले कैलाश पिता अशोक का, उसके पड़ोस में रहने वाले नितिन, सचिन और अतु का प्रॉपर्टी को लेकर युवकों से मामूली सी बात पर विवाद हो गया था। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि सामने वाले लोगों ने कैलाश पर तलवार और चाकू से हमला कर उनको गंभीर रूप से घायल कर दिया। साथ ही घायल के माता पिता को भी घायल कर दिया। तीनों को घायल अवस्था में नजदीकी गेटवेल हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां पर कैलाश की उपचार के दौरान मौत हो गई। मौके पर पुलिस बल पहुंचा। कोतवाली टीआई दिलीप पुरी ने बताया कि इस मामले में तीन युवकों को, नितिन, सचिन और अतु को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच जारी है। किस बात को लेकर विवाद हुआ था? ये पैसे वो मौलाना के पीछे लगा तो जरा सा बात हुई तो फिर चुपचाप हो गए। फिर तो उसके बाद में 10 बजे खाना खाने के बाद में फिर बाहर निकले। फिर वो सचिन और नितिन काली गुप्ता कंस तक है। बाद में मौलाना का ही मौलाना के संग में इनकी मीटिंग की। दोनों आपस में इतनी रहते थे दारू और पीते थे को ऐसे उनके चक्कर में तो मैं ना हुई तो बस ये चाकू और तलवार। आपका नाम बता दें। आपका नाम? मेरा नाम अशोक राव यादव। हमारे पड़ोस में एक नितिन, सचिन मोरे रहते हैं, नितिन मोरे, सचिन मोरे। इन लोगों ने आपसी लड़ाई में, घर की लड़ाई में, इन्होंने मेरे छोटे भाई 28 साल का उम्र है उसकी, उसको चाकू से गोद गोद के हत्या कर दी। उसमें शामिल था एक मौलाना, उसका नाम अस्सू है, असली नाम आमना भी, और है तो मोटा, और जैसे आसपास के 2-3 जने और 4-5 लोग थे वहाँ पर घर में, तो इन्होंने उसको चाकू से गोद गोद के मार डाला। कुछ नहीं, आपसे लड़ाई, छोटी मोटी लड़ाई की वजह से हुआ बस, और कोई लड़ाई झगड़े नहीं थे। देखा देखी गाड़ी, देखा देखी, एक दूसरे को देखना देखनी में ही हुई बस, देखा देखी हुई कि घुरा घुरी कर रहे हैं। ये करीब 9-9:30 बजे करीब की घटना है। पापा को भी मारा ना? मेरे पिताजी को भी मारा, मेरे पिताजी भी अंदर बहुत सीरियस, उनके हाथ में भी तलवार मारी, इन्होंने तलवार और चाकू से वार किए। मैं उनकी सिस्टर लगती, छोटी बड़ी वाली। 10:30 बजे चना गोदाम में सभी वर्ग निवास करते हैं, वहाँ पर आसपास ही घर है इनके, 5-5 फीट में सभी की झोपड़ियाँ बनी हुई है। उसी में गाली गुप्ता की हुआ था, नितिन ने शराब पी रखी थी और उधम कर रहा था। उसी बात को लेकर ये अशोक और कैलाश, इनका लड़का कैलाश, उसको समझाने बोले कि क्यों घुर रहा है, क्यों गालियाँ दे रहा है, तो उस पर उसने उठा के अशोक को, अशोक के लड़के कैलाश को चाकू मारा, जो चाकू उसके सीने में लगा और वो गेटवेल पे इलाज के दौरान उसकी रात्रि में उसकी मृत्यु हो गई है। तो रात्रि में तत्काल 307 का ऑफेंस रजिस्टर्ड कर लिया था, मृत्यु होने के बाद उसमें 302 बढ़ा दी गई है और जितने भी आरोपी है, सस्पेक्टेड है, सभी अभी पुलिस अभिरक्षा। इंदौर के मऊ से संजय वर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही, आज के लिए बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।